ये हमारे मामी जी देखो क्या जोड़ी डाल रहे हैं, मारो भाई जोर से पटाखा। बाय बाय। देखिए 500 रुपए की महंगी जुराबे जुराबे कर रही थी कौन भैया के जवाली इन्होंने। हेलो एवरीवन, तो ये मेरा 22वां दिन फाइनली अपने गोल के बहुत करीब, और आज मैं सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी सो क्योंकि काफी लेट हो गई थी। मम्मा और मम्मा भी लग गए तैयारी में। आज मैंने बताया था कल ये जा रहे हैं किसी फंक्शन में, ये देखिए तो तैयार नहीं हुआ अभी, कल वाला ड्रेस नहीं पहना आपने भी। हाँ मम्मा हंस रहे मुझ पे, हंस क्यों रहे हो? मम्मा अपने हाथ दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं मैंने तुम्हारी मेहंदी लगा ली और जानबूझ के अंगूठी इस उंगली में निकाल ली है ताकि अच्छा दिखे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरे नवंबर रेजोल्यूशन का 22वां दिन है, और जिन्हें नहीं पता मेरे नवंबर रेजोल्यूशन में कुछ रूल्स हैं जिन्हें मैं शाम तक पूरा करने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल 8 आवर्स ऑफ स्टडी, मॉर्निंग एंड इवनिंग एक्सरसाइज एंड नो जंक फूड एंड 3 लीटर्स ऑफ वाटर एक्सेट्रा। और इनमें से सिर्फ पढ़ाई ऐसी चीज है जिनमें मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए मुझे अपनी इवनिंग की एक्सरसाइज भी सेक्रीफाइस करनी पड़े। सो आज भी मैं सुबह सभी कामों से फ्री होके 9 बजे के आसपास पढ़ने बैठ गई थी, और मैं बाहर बैठी क्योंकि यार सुबह अंदर बहुत ठंड लगती है तो मैं थोड़ा बाहर ही बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए ही सही। एंड यस, हेलो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 11:30 और अब मुझे लग गई है भूख पर यार। आज ना सिर्फ रोटी रोटी बनाए, सब्जी तो बनानी है, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। सो मुझे खाना बनाने में लिटरली बहुत आलस आ रहा था तो मैंने फटाफट से अपनी गोभी काटी और प्याज टमाटर अदरक सब एक साथ मिक्स कर दिया और थोड़ी देर के लिए उसे पकाया। एंड यू नो व्हाट, जब आप सब्जी को थोड़ा कम पकाते हो और थोड़ा कच्चा रखते हो ना, स्पेशली दिस वन, यार सच में बहुत अच्छी लगती है। और ये मैंने थोड़ा सा नींबू डाला ताकि टेस्ट थोड़ा मेरा टाइप बने, और ये देखो तैयार भी हो गई। आज मेरे खाने में सब्जी, और ये मैंने लिया है लस्सी, ये मैंने लिया है नींबू और मिर्च, और तब मुझे ना थाली में अगर अचार है, घी है, नींबू है, सब चाहिए होता है, और मुझे सब ट्राई करना। तो मैंने फटाफट से खाना खाया और 12 बजे में फिर से पढ़ने बैठ गई, और यार सब्जी सच में स्वाद बनी थी भाई। ये सब्जी कच्ची रखने वाला हैक मैंने भी बस सुनी रखा था, ट्राई आज ही पहली बार किया और मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, पर भाई काम कर गया और सच में स्वाद बनी थी। तो ये देखिए मेरे गरीबों वाले लक्षण, भाई अमीरी आती रहे पर हम लोगों को गरीब ही दिखना है, उसी में मजा आता है। और मैंने फटाफट से ड्रामा बंद किया और फिर सीरियस होके पढ़ने बैठ गई। तो मेरे ताऊ जी आ गए हैं बैठने और अब मैं जा रही हूँ बाहर, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो ताऊ जी आ गए थे, मुझे शूट करना था पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी, मुझे लगा बोलेंगे क्या कर रही हो, नारंगी तो नहीं खानी थी, मैं तो लग गई खाना। और अभी मैं खा रही हूँ नारंगी, ये मैंने ताई के घर से लाया, मेरी बड़ी ताई के घर से, और मेरे बड़े ताऊ अभी आए थे। आप मेरी बड़ी ताई के घर जाओगे, मतलब कहाँ से जाओगे मैं दिखाऊंगी, जब जिधर भी देखो इतने सारे फ्रूट्स लगा रखे हैं, इतने सारे 8-10-11 नारंगी के पेड़ है भाई, इतना मजा आता है। हाय। तो बड़े ताऊ जी लगभग 12:30 बजे आए थे, और उनके जाने के बाद मैंने जूतू को पानी पिलाया और उसके बाद मैं 2 बजे के आसपास पढ़ने बैठ गई थी। पर मुझे याद आता है, अरे मैंने जूतू को पानी तो पिला लिया पर बेचारी को घास देना ही भूल गई, पूरा चिल्ला रही थी, तभी मुझे लगा कि यार मैं भूल गई हूँ। मैंने जूतू को घास दिया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा खाना भी खा लिया क्योंकि मुझे फिर से भूख लग गई थी, और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। अंदर आओ मैं
अंदर आओ अंदर आओ। आपने मेरे को मिस नहीं किया? मैंने तो बहुत मिस किया आपको मम्मू। तो मम्मा 5:30 बजे अपने फंक्शन से वापस आ गए थे और वो कुछ लेके आए थे तो मुझसे मेरा अप्रूवल ले रहे थे। ओ यस ऑफ कोर्स आई एम द बॉस। तो उनके जाने के बाद मैं थोड़ा टहल रही थी बाहर बिकॉज मेरी आंखों को अब रोशनी की नहीं नेचुरल ब्यूटी की जरूरत थी। और फिर मैं फिर से पढ़ने चले गई। यार मम्मा अभी मुझे जाने को बोल रहे नानी के घर, अगर चलना है बैठने। मन तो बहुत है पर आज मेरी मैंने आपको कल दिखाया था नी भैया भी आए हैं, मतलब मेरे मामू के दो बेटे हैं विपिन भी हैं नी भैया जॉब करते हैं वो भी घर आए हैं। तो बहुत मन करता है जब सब लोग होते हैं बट अगर मैं गई तो मेरा सब बच जाएगा रे। क्यों पढ़ती हूँ बार बार। तो अभी 7 बज रहे हैं और अब हम खाना खाएंगे। देखो देख रहे हैं अपना सीरियल। मामा क्या कौन सा है? अनुपमा। इन भारत की सभी औरतों का फेवरेट सीरियल अनुपमा। तो कोई ना कोई आ जा रहा है। मम्मा भी 2 बार आ गए मेरे कमरे में मुझे परेशान करने और आज इनको शाम के टाइम नारंगी खा रहे हैं। भाई देखो इनको तबीयत खराब होने के लिए नारंगी खाते आप। सो मुश्किलें तो बहुत आई पर कैसे भी करके 8 से 10 में फिर से पढ़ी और मैंने अपने 8 घंटे फाइनली पूरे किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।